गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। सुबह के बज गए हैं 7। नोनू गुड़िया दोनों उठ चुके हैं। नोनू आज जिम नहीं गया, आज उसका मूड नहीं था जाने का, इसलिए उसको जगाया नहीं। और गुड़िया अभी आराम से बैठी एंजॉय करने लग रही है। उसकी 4-5 दिन की छुट्टियां रह गई हैं, बस उन्हें एंजॉय करेगी, उसके बाद उसको भी बहुत जल्दी उठना होगा। कैंडी ब्राउन नहीं यहाँ पे हमारे पास बैठ के कर रहे हैं मस्ती। बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं क्या काम करते हैं आज। कैंडी भी नोनू गुड़िया के साथ सेटी पर बैठा हुआ है। ये अपनी पूरी एक सीट ऑक्यूपाई करके बैठता है। इसको ये लगता है कि मैं भी एक पूरा इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो मेरी अपनी सीट होनी चाहिए। इसलिए वो बहुत इंजॉय करता है जब नोनू गुड़िया के साथ बैठता है। और स्पेशली अब तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि नोनू भी है, गुड़िया भी है और पापा भी बैठे हुए हैं, जो विसल बजा के इसको परेशान कर रहे हैं क्योंकि बेचारा कॉपी करने की कोशिश तो करता है लेकिन हर बार इससे कॉपिंग हो नहीं पाती है। तो जब ये बार बार कोशिश करता है फिर इसको इरिटेशन होने लग जाती है कि इसको चीज़ समझ नहीं आती। ये हस्बैंड उठ के गए और ये पीछे पीछे भाग लिया। रात को फिर मैंने मलाई में दूध डालकर दही जमा दी थी और आज फिर मैं मक्खन निकाल रही हूँ। कई बार तो ये बहुत आराम से निकल जाता है, कई बार बहुत टाइम लग जाता है। आज मेरा बहुत ही जल्दी हो गया है ये काम। मक्खन निकल गया था, उसके बाद मैंने मक्खन को अलग कर लिया और लस्सी को छान के लोटे में डाल दिया क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम खाएंगे आज मक्खन और लस्सी के साथ रोटी। और नोनू ये खाना खाएगा दोपहर को क्योंकि अब नोनू की दोबारा से क्लासेस हो गई हैं शुरू। उसका 1 वीक का ब्रेक था, उसने खूब मस्ती कर ली। ब्रेक उसका सुबह की क्लासेस का था, इवनिंग का तो खैर नहीं था। रास्ता बीच में ब्लॉक हो चुका है तो इसलिए कोई और रूट से जाना पड़ेगा। इसलिए आज नोनू को अलग रास्ता बताने के लिए हस्बैंड साथ में जा रहे हैं और उसको रास्ता समझा देंगे तो वापसी में दोनों को आना इजी हो जाएगा। यहाँ आओ दोनों। कैंडी इधर आ जा बेटा। मरानू आ जा, मैं बच्चा काफ़ी दिन हो गए थे सेटी पे, बहुत ज़्यादा डस्ट डिपॉजिट हो गई थी क्योंकि आंधी भी बहुत चल रही थी पीछे। तो आज मैंने सोचा वैक्यूम क्लीनर निकाल के इनकी अच्छे से सफाई कर देती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। तो आज मैंने दोनों रूम की सेटी की अच्छे से सफाई कर दी वैक्यूम क्लीनर से और लॉबी वाली सेटी की भी कर दी क्योंकि वहाँ पर हम सारा दिन बैठते हैं, कैंडी भी जंप करके चढ़ जाता है तो उस पर उसके बाल भी हो जाते हैं। तो आज ही अच्छे से मैंने वैक्यूम क्लीनर यूज़ करके सफाई कर दी है और बहुत ज़्यादा डस्ट निकली थी इसमें से, बहुत ही गंदा हो रहा था, एकदम कलर चेंज हो गया है वैक्यूम क्लीन करने के बाद इसका। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और सारा काम करने में बहुत देर लग गई। फाइनली हो गया था लंच का टाइम। आज लंच बहुत ही लेट बनाना शुरू किया है, बल्कि नोनू भी क्लास से वापस आ गया था उसके बाद आज मैं सब्जी छौंक रही थी क्योंकि आज मुझे वैक्यूम क्लीन करने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और एक दो छोटे मोटे काम किए। आज सब्जी हमने बनाई है अरबी की, जो नोनू गुड़िया दोनों खुश होकर खा लेते हैं, तो वो बनाना सबसे बेस्ट था। सोनी आई है स्विमिंग से और ये सोनी के आते ही कैंडी जंप करके सेटी पे चढ़ गया है और इससे पूरी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे गोदी ले ले। नहीं लिया मेरे बच्चे को। ब्राउनी उतार दे नीचे। See if you can catch me.
रात के बज गए हैं 9। डिनर हमने कर लिया है। हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।